तैयार हो चुकी है। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन आया है इसका, आप इसे अपने लिए ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेल्फी कुर्ती बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने दो कलर के कपड़े लिए हैं, ये प्रिंटेड और प्लेन। तो प्लेन मैंने ब्लैक लिया है, प्रिंटेड मैंने पिंक कलर लिया है जिसमें वाइट कलर की पेंटिंग हुई है। तो जब सबसे पहले हम इसमें नॉर्मल कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को फोर लेयर में बिछाया है, मतलब हमारे दोनों पार्ट लिख रहेंगे, बैक और फ्रंट। और जितनी आप लंबाई लेना चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग लंबाई ले सकती हैं। इस कपड़े की पूरी 40 इंच लंबाई है और चौड़ाई हमने अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग ली है इसमें। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने एक साइड को निकाल दिया है। तो चलिए हम पहले नॉर्मल कुर्ती की इस पर ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से लंबाई मैंने आपको बता दी है, इसकी पूरी लंबाई 40 इंच है और चौड़ाई मैंने अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग ली है। अब यहाँ से हम सबसे पहले अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना भी तीरा है उसका हाफ कर लीजिए। तो मैं यहाँ से 7 इंच लूंगी, क्योंकि 14 है तो 14 का हाफ 7 इंच। और यहाँ से आर्म होल भी मैं 7 इंच लूंगी। और फिर उसके बाद यहाँ से हम अपनी चेस्ट का फोर्थ भाग रखेंगे। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसका फोर्थ भाग कर लीजिए। तो मैं यहाँ से 10.5 इंच कपड़ा लूंगी। अब यहाँ से मैं 7 इंच नीचे कमर का निशान लगाऊंगी और 13 इंच नीचे हिप का निशान लगाऊंगी। ये हिप का हो गया, ये कमर का हो गया, चेस्ट का हो गया। अब यहाँ से मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं 10.5 इंच पे ही लगाऊंगी। अब इस वाले निशान को हम, जो मैंने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है वो मैंने इसी में ले लिया है, क्योंकि मैं एक साथ ही ले लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरीके से निशान लगा सकती हैं, लेकिन मैं फिटिंग एक साथ ही करती हूँ। मैं ये झंझट नहीं रखती कि निशान लगाओ, मैं अपनी फिटिंग अपने अंदाजे से कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ से हम इस तरीके से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और इस पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से इस तरीके से मिलाएंगे। और फिर हम इसकी सीधी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमारे नीचे स्लिट खुली हुई होंगी और 1.5 इंच पे हम करेंगे बैक के कर्व का निशान और फ्रंट पे 1 इंच पे फ्रंट के। और इसमें देखिए हम कुछ इस तरीके से गोलाई कर देंगे। यहाँ से हम फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई कर देंगे। यहाँ से हम हाफ इंच का तीरा हम डाउन कर देंगे। अब देखिए, जैसे मैंने इसकी ड्राफ्टिंग की है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी अब कटिंग कर लूंगी। देखिए, कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें से हम इसका बैक पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट के हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने कुर्ती को खोल के अच्छे से बिछा लिया है और इसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। मैं आपको इसके ऊपर शेप बताऊंगी हम किस तरीके से शेप बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारा जो शोल्डर है इधर से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, मतलब इधर से जहाँ हमारी बाजू लगेंगी उस साइड से लेके और इस साइड तक 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा 4 इंच पे निशान हो गया। और देखिए, जो हमारी दूसरी साइड है यहाँ से लगाएंगे हम 6 इंच पे निशान इस तरीके से। अब इस वाले निशान को हम इस तरीके से शेप देते हुए, हल्की सी गोलाई वाली शेप देते हुए इस तरीके से मिलाएंगे। देखिए, ये वाली। अब हम नीचे चलेंगे अपने बॉटम की साइड। तो बॉटम से हम 2 इंच नीचे निशान लगाएंगे ये बॉटम से। और देखिए, जो ये वाली साइड है हमारी, यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 6 इंच हो गया और यहाँ से एक लाइन और खींच लेंगे, ये 6 इंच हो गया। और लंबाई में लगाएंगे हम 8.5 इंच तक। और फिर देखिए, जो हमारी ये वाला निशान है, इस वाले निशान से हम इसको कुछ इस तरीके से शेप देंगे इसमें। ये देखिए, हमने कुछ इसमें इस तरीके से शेप दी है।
अब इनकी हम इस वाले पीस की और इस वाले पीस की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, अब हम इसी निशान के ऊपर बिल्कुल कटिंग कर लेंगे। और जो हमारा दूसरा हमने ये निशान लगाया है, यहां से भी हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारे ये दो कपड़े हैं, इनको हम अपने प्रिंटेड कपड़े के ऊपर रखेंगे। अब देखिए, मैंने ये दोनों पीस को अपने प्रिंटेड कपड़े के ऊपर बिछा दिया है, और ये मैंने उल्टी साइड पे बिछाई। ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, सारे निशान हमारे उल्टी साइड हैं, ये ध्यान रखें आप। और देखिए, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। सिर्फ सिलाई के लिए लेंगे 1/2 इंच ज़्यादा, बाकी हमारा निशान सब सेम होगा। ये आर्म होल का भी, ये भी सिर्फ 1/2 इंच हम इधर से ही ज़्यादा लेंगे। अब इनकी ड्राफ्टिंग करके हम इनकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने पूरे निशान लगा लिए हैं, अब इनकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी आर्म होल की साइड है और ये हमारे तीरे की साइड है। और देखिए, यहां से हमने 1/2 इंच ज्यादा लिया है। सिलाई के लिए पीस को अलग कर देंगे और अपने ये वाले पीस की कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग भी हमको सेम इसी तरीके से करनी है। देखिए, हमने 1/2 1/2 इंच इसमें भी ज्यादा लिया है। अब देखिए, कटिंग इसकी हो चुकी है और जो इसकी शेप है वो कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए, ये मैंने रख के दिखाई है आपको, रफ आइडिया दिया है। और अब हमारा जो बैक पार्ट है, हम उसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, ये मेरा बैक पार्ट है और इसको मैंने 2 फोल्ड में रख लिया है। देखिए, 2 फोल्ड में हमारा, और यहाँ से हम बंद की साइड है, ये खुले की साइड है, तो हम बंद की साइड से 12 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारा 12 इंच पे निशान। और जो खुले की साइड है, जहां से हम फिटिंग करेंगे, वहां से हम लगाएंगे 3 इंच पे निशान। और फिर देखिए, इस वाले निशान को हम इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से, और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। और देखिए, जो हमारा ये वाला पीस है, इसको रख के हम अपने प्रिंटेड कपड़े पे इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये वाला पीस हम अपने प्रिंटेड कपड़े के ऊपर रख लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। मेरी सूट की कटिंग पूरी टोटल हो चुकी है। अब देखिए, जो हमारे दो पार्ट निकले थे, ये बैक में थे, ये फ्रंट में से, तो इनमें से हम पाइपिंग निकालेंगे। तो पाइपिंग के लिए देखिए, हम इस कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से ओरेव शेप में कट कर देंगे। और इसमें से हम 1/4 1/2 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। अब इसी तरीके से मैं इसमें से बहुत सारी पट्टियां कट कर लूंगी। अब देखिए, अब मैं आपको इन पार्ट पे पाइपिंग लगाना बताऊंगी। तो मैंने ब्लैक कलर की कट की थी, लेकिन जब मैंने उसे कुर्ती के ऊपर रखा तो वो बिल्कुल मिल गई, मतलब कुर्ती में ही, उसमें कुछ अलग से दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस वजह से मैंने वो पाइपिंग रख ली है, वो हमारी काम आ जाएगी। मैंने तरीका बताया, अगर हमारे पार्ट निकले तो हम इनमें से पाइपिंग में यूज कर सकते हैं उन पार्ट को। तो मैंने ये और में ही उसी साइज की व्हाइट कलर की पट्टी कट किया, क्योंकि ब्लैक पे व्हाइट बहुत अच्छा दिखेगा। तो देखिए, हम सीधी साइड को पट्टी को इस तरीके से उल्टा रखेंगे। सीधी साइड को कपड़े को उल्टा रखना है और देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। और कपड़े को खींचना नहीं है,
नीचे वाले को हल्का सा हमें इस पट्टी को ही खींचना है जो हम और जो हमारी ओरिब में है, हल्का सा इसको खींच के लगाते हैं तो इसमें बल नहीं पड़ते और बिल्कुल इसी गोलाई के हिसाब से हमको ये लगानी है। उसके बाद देखते हैं जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी बची है उसको हम कट कर देते हैं इस तरीके से। अब इसमें हम बहुत छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से ताकि आसानी से सीधी हो जाए। अब इसको हम इस तरीके से ऐसे टर्न कर लेंगे उल्टी साइड को और फिर देखिए हम जितनी हमें पाइपिंग निकालनी है उस हिसाब से हम पाइपिंग निकाल के और इसको इस तरीके से सिलते जाएंगे। जितनी मोटी आपको रखनी है पाइपिंग आप उस हिसाब से रख सकती हैं। और मेरी जो एक पार्ट है बॉटम का है और ये गले का है तो सेम हम तरीका हमारा यही रहेगा पाइपिंग निकालने का। हम बैक पार्ट है जो उसमें भी ऐसे ही पाइपिंग को रखते जाएंगे और ऐसे ही उल्टी साइड को सीधी साइड को पट्टी को उल्टा रखना है और इसी तरीके से हम अपने दोनों पार्ट में भी पाइपिंग निकाल लेंगे। अब देखिए मैंने दोनों पार्ट में पाइपिंग लगा ली है। अब उसके बाद हम आपको इसे सेट करना बताएंगे। तो देखिए हमने इसको सीधा रखा है, मतलब जैसे हमने उल्टी तरफ से कटिंग की थी तो बिल्कुल हमें इसी शेप में ये ऐसे मिलाना है इस तरीके से। और देखिए जो कर्व वाला एरिया है वहां पे हमको ये कर्व वाला एरिया ही रखना है इस तरीके से। बहुत सिंपल है इसे मिलाना। और देखिए हम इसमें पिन लगा लेंगे ताकि, और ज्यादा नहीं दबाना है सिर्फ आधा आधा इंच के बराबर दबाना है जिससे हमें ये अंदाजा रहे कि हमारी सिलाई कहाँ लगेगी। बिल्कुल सीधा रखते हुए आधा आधा इंच के बराबर दबाते हुए हम ये पिन को पूरे में इसी की तरह लगा लेंगे। अब देखिए मैंने इसको भी सेट कर लिया है पिन से। ये ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा भी हमने ऐसे ही सेट किया था बिल्कुल उसी के ऊपर रख के और सिर्फ आधा इंच के बराबर दबाया है। अब हम ये पिन निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और जो हमारा बैक पार्ट था उसमें भी हमने इसी तरीके से पाइपिंग लगा ली है और उसको भी हम ऐसे ही सिलेंगे जैसे हम ये सिल रहे हैं। और सिलाई को पाइपिंग से अलग लगाना है, जो हमारी पहली सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर लगाना है। अभी देखिए ये हमारा एक पर्दा ज्वाइंट हो चुका है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम यहाँ से थोड़ा बहुत कट कर देंगे और अब हम नीचे का पार्ट ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए ये नीचे का बॉटम वाला हिस्सा है, इस पे भी हम इसी तरीके से लगाएंगे सिलाई। इनको निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते हुए जाएंगे।
देखिए इसको हम इसी तरीके से पूरा सिल लेंगे और फिर हम बैक पार्ट में बताएंगे वहाँ पे हमने कैसे पिन लगाई है। पाइपिंग हमने सेम इसी तरीके से लगाई है जैसे हमने इसमें लगाई है। अब यहाँ से ये हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें हम गला बना लेंगे, कोई भी गला आप बना सकती हैं। देखिए ये नीचे का बॉटम हो गया और ये ऊपर का हो गया। अब देखिए ये मैंने इसके ऊपर भी सेम इसी तरीके से पिन लगा ली है। अब इस पे भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें कि ये हमारा जो नीचे वाला कपड़ा है ये ज्यादा ना दबना चाहिए। ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब ये हमारा ज्वाइंट हो चुका है। देखिए बैक पार्ट हो गया, फ्रंट पार्ट हो गया। मैं आपको बाजू पे बताऊंगी। अब देखिए बाजू पे हम किस तरीके से पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने 17 इंच की बाजू तैयार कट की है, तो 4 इंच की हमारी ये पट्टी हो गई और ये वाला कपड़ा हो गया। तो देखिए हम इस तरीके से अपनी बाजू का बॉटम उठाएंगे और जो हमारा ये वाला कपड़ा है इसको रखेंगे हम इस तरीके से। ऐसे हम इसको उल्टा रखेंगे, सीधी साइड को उल्टा रखेंगे इसको और सिलाई लगा देंगे। दोनों बाजुओं की दोनों भी इसी तरीके से लगानी है। एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा लेंगे, बाजू को सीधा कर देंगे ताकि जो हमारा ये कपड़ा है वो अच्छे से जम जाए। और फिर उसके बाद इसको देखिए हम इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है। दूसरी बात को भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए एक मैंने राउंड शेप में गला कट कर लिया है, आप कोई भी गला बना सकती हैं। और यहाँ से हमने 6 इंच का मार्जिन दिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए ये मैंने गला सिल के जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे फोल्ड कर दिया है। और उसके बाद ये सेंटर में निशान लगाया है और कुर्ती के सेंटर में भी मैंने एक सीधा निशान लगाया है ताकि गला टेढ़ा ना हो। और बीच में पिन लगा ली है, अगर आपके पास पिन नहीं तो आप बुकरम से अलग लगाना है, बुकरम के ऊपर नहीं लगाना चढ़ा के ज्यादा। और सेंटर का निशान हमारा एकदम सीधा रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये सिलाई लगा के हम कंप्लीट कर लेंगे। इसको देखिए मैंने सिल लिया है। अब ये कपड़ा हम यहाँ से कट कर देंगे। ये पूरा कपड़ा कट करके इसमें हम कट लगा लेंगे। अब देखिए मैंने इसको उल्टी साइड पे
पलट दिया है। अब हम यहाँ ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, फिर बाद में जो हमारी पट्टी है उसके ऊपर हम सिपाई कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पाइप वगैरह कुछ लगा सकती हैं, और ये पूरे गले के ऊपर हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और जो हमारा बैक गला है उसमें भी हम इसी तरीके से गला बना लेंगे। अब देखिए मैंने इसके दोनों गले बना लिए हैं, अब मैं इसका तीरा ज्वाइंट कर लूंगी। ये दूसरे तीरे को भी हम इसी की तरह ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए तीरा ज्वाइंट कर लिया है। अब हम अपनी बाजू लगाएंगे इसमें, तो बाजू के लिए हम इस तरीके से रखेंगे सीधी साइड को, और बाजू को उल्टा रखेंगे, और जो हमारा कर्व वाला एरिया है उसको हम फ्रंट साइड में रखेंगे, और बैक साइड में हम अपने जो हम 1.5 इंच पे गुलाई देते हैं उसको रखेंगे। और इस तरीके से अपनी बाजू ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों बाजुओं को मुझे इसी तरीके से अटैच करना है। देखिए दोनों बाजू मैंने लगा ली हैं, अब इसकी हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं, जितनी भी आपकी फिटिंग है इसी तरीके से आप कर लें। अब मैं दोनों साइड को ऐसी ही फिटिंग कर लूंगी। अभी फिटिंग करके मैं तैयार कर लूंगी। अब देखिए ये हमारी पूरी कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम मोती लगाएंगे, व्हाइट कलर के मोती हम। आप चाहें तो बटन भी लगा सकती हैं। हम इस साइड पे पूरे में ये मोती लगा लेंगे, और ऊपर की साइड पे भी और नीचे की साइड पे भी।